ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की गल कर लगे हैं, जुलाई इनटेक के उपर फोकस कर रहे हैं जोड़े स्टूडेंट्स है। वीडियो तुहाडे लई ही है ताकि तुसी कोर्सिज़ नू लैके माइंड तुहाडा क्लीयर हो सके, किहड़ियां गलतियां नहीं करनी है तुहानू जरूर पता हो, भावें तुसी किसी भी कंसल्टेंट कोलों पुछगिछ कर भी रहे हो, पर तुहाडे माइंड विच पक्कियां गल्लां जरूर होनियां चाहीदियां कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लई अपलाई करना है तां की करना है, की नहीं करना, कोर्सिज़ ते किवें फोकस करना है। सो डिटेल विच बहुत कुछ खास रहण वाला अज्ज दी वीडियो विच। स्वागत है जी सारयां दा, मैं हां हरजोत कौर और पूरी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करेंगे। नेविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम साडे नाल ने, बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो तकरीबन 28 सालों के एक्सपीरियंस के नाल इन्ना सारा तजर्बा मैम दे कोल के प्रोफाइल देखते सार ही मैम दस देंगे ने कि इस प्रोफाइल बच्चे नूं कीवें अगे वधना चाहिए, किहड़े कोर्सिज लैने चाहिए है, कीवें किस प्रोसीजर नाल अगे वधे ते इसनूं सक्सैसफुली जो है वीज़ा मिल सकता है। सो मैम अज आपां गल जुलाई इनटेक के उपर फोकस कर रहे हैं तो जरूर एक तो जिहड़े फ्रैश पास आउट स्टूडेंट ने उन्होंने तुसीं की गाइड करना चाहोगे इस समय ते, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की ओवरऑल गल करते हैं तो परसेंटेज की आप गल करिए, जिवें फाइल्स लग रही हैं, वीज़ा आ रहे हैं, इस उपर भी तुसी की कहना चाहोगे, प्रेजेंटली हुण की सिनेरियो चल रहा है सब? हरजोत जी, पिछले कुछ दिनों का हुण 15 दिन का पॉजिटिव जहा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया वीज़े आ रहे, और पिछले जिन्नी रुकी हुई फाइलां सी वो निकल रही हैं, और बच्चों के तुसी देख लो कि ना कोई एजेंसी के वीज़े इस टाइम आ रहे। साडे बच्चों के मैं तुहानू दस्सिया सी पिछले प्रोग्राम च, आर्ट्स वाले बच्चे जिहड़े पंजाब सॉरी PSEB के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सिगे, स्टेट बोर्ड के, उन्होंने भी वीज़े आए, और बिल्कुल आर्ट्स का जिहड़ा भी कोई भी बच्चा कोई भी कंसल्टेंट नहीं लेगा, उदा के भी प्रोफाइल के वीज़े आए हैं, और विच नहीं भी आ रहे, डिपेंड करता, क्योंकि GT की जगह हूँ GST हो गया। ठीक है, चार क्वेश्चन पूछते हैं, चार क्वेश्चन वो बच्चे ने रिप्लाई करने हैं, कोई होर ना टाइप करे, जो स्टूडेंट वो ईमानदारी नाल चार क्वेश्चन हैल्प ले लो तुसी, बट वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, तो तुहाडा खाली वो चार क्वेश्चन जिहड़ा वीज़ा का मापदंड है कि तुहानूं वीज़ा क्यों दिता जाए, कोर्स तुहाडा अच्छा होना चाहिए, अकैडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, जो सारा कुछ ठीक है तुहाडा वीज़ा जरूर आएगा। बट गॉन आर द डेज़ कि जब किसी ने मर्जी अप्लाई किया मैं और उदा वीज़ा आ गया। मैं तुहानू एक डाटा दसदी हाँ कि जिदे विच कि वीज़ा कोई इन्ना घट नहीं होया ऑस्ट्रेलिया का, 1 जुलाई 2023 तो लैके 31 दिसंबर 2023 तक जड़ा वीज़ा है बच्चे का, 2,82,302 स्टूडेंट की जड़ी फाइल लगी सीगी, और उदे विच्चों 2,00,000 हाँ जड़ा उस तो पिछले साल 2,47,000 फाइल लगी सी, मतलब 14% इनक्रीज़ हो गए, और डिपार्टमेंट ने जड़ा वीज़ा दिता है 1,95,000 आलमोस्ट 2,00,000 के नेड़े तेड़े वीज़ा दिता है, 31% जरूर डिक्रीज़ होया, क्योंकि जड़ा ये माहौल चल रहा सीगा जिहदे विच वीज़ा घट आए है, ये वो वाला माहौल सीगा। ते तुसी ये देखो 70% सक्सैस रेट जा आ रही है, और हर प्रोग्राम च मैं यही कहनी कि 100% सक्सैस रेट कभी भी नहीं हो सकती, 30% जब वीज़ा गया तो वह वाला गया होगा कि जेडे बच्चे ने एक्सट्रा फाइल लगाई होनी। सैकेंड कोविड के बाद इन्होंने वीज़ा बहुत सारियां ही देता सीगा, क्योंकि उत्थे पैन पार्ट शॉर्टेज एकदम तो आ गई सी, उही डाटा इनक्रीज़ होया सीगा, उदे बाद जिन्ना वीज़ा ये हर साल देंदे कोविड तो पहला उन्ना ही वीज़ा इन्होंने दिता है, तो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का कोई घट नहीं होया। हाँ, टेक्निकली ज पहले कोई भी बच्चा अप्लाई कर देता से, हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बच्चा बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा है, उन्नी उन्होंने कैपेसिटी नहीं है, हर कंट्री का एक कोटा होंगे, हूँ इन्होंने वो चूज़ कर लिया कि सानू एहो जा बच्चा चाहिए जिदे विच मैडिकल नॉन मैडिकल वाले बच्चे या कॉमर्स के जेडे बहुत अच्छे बच्चे है जेडे कोर्स अच्छे लै रहे, पिछे जो वीज़ा निकलिया कॉमर्स का वो बच्चा डिजिटल एनालिटिक कुछ इदा का कोर्स लिता से, तो कुछ तुहाडा कोर्स IT दा कमर्स दे नाल मैच करदा होए है ना, अजकल डाटा साइंस डाटा कंप्यूटिंग दा मतलब बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो नॉन मैडिकल वाले बच्चों वास्ते है, तो मैडिकल दे बायो दे बहुत कोर्सेज है, एंड तुसी देखो हेल्थ साइंस दे बहुत कोर्सेज है, नर्सिंग दे बहुत कोर्सेज है, उन्होंने तो वीज़ा आने से एक मिनट नहीं लगती। इन अकैडमिक प्रोफाइल दे नाल जिहड़ी इनकम है 14-15 lakhs हुण देख रहे हैं कि इन्नी होनी चाहिए है, ता ही तुसी जड़ी जड़ी $35,000 जड़ी है ऑन एन एवरेज फीस आ रही है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी है उन्होंने 40,000 तो उपर भी जा रही है फीस,
ਤੇ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ 8 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋਬਲੈਸ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੂ 1-to-1 ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਲਟਸ ਪੀਟੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਚਾਰਜ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਪੀਅਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮਲੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ